Hello everyone, in this video I am going to cover MP Board class 8, chapter number 2, Thrills of Kanhagesli. I have already taught chapter number 1. So if you are looking for that video, you can go through it. And uh, if you have any query regarding that video, please comment below. I'm always there for you. I will try to resolve your all queries. Thanks again. And now we are going to start. Okay. The first thing is that काना किसली थ्रिल्स ऑफ काना किसली वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रिल्स ऑफ काना किसली ओके सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रिल्स ऑफ काना किसली सो so इसका मतलब क्या होता है थ्रिल्स ऑफ काना किसली जो कान्हा किसली का जो रोमांच है उसके बारे में हम जानेंगे ठीक है ना क्या हो सकता है क्या रोमांच हो सकता है किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में सब कुछ ये बताया जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क क्या आप कभी भी एक नेशनल पार्क में गए हैं बिच एनिमल डिड यू सी देयर कौन सा एनिमल है जो आपने वहाँ पे देखा है ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ क्लास थोड़ा सा यस ओके नाउ बिच एनिमल डिड यू सी देयर आपने वहाँ पे कौन सा एनिमल देखा है ये दो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ रहा है ठीक है ना नाउ वी आर गोइंग अ सो बी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स ये जो डायलॉग है किसके बीच में है दो कजिन्स के बीच में है डायलॉग मतलब बातचीत जो है किसके बीच में है दो कजिन के बीच में है जिनका नाम है देव एंड सुभिग्ञा उनका नाम क्या है देव एंड सुभिग्ञ्या देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड देव ने अभी रिसेंटली ही विजिट किया है कहाँ पे कान्हा किसली एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड और वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है काय के बारे में जैसे मान लीजिए हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमसे कोई पूछेगा तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम सारी चीज़ों को शेयर करते हैं राइट उसी तरीके से वो तो बच्चा ही है तो जो देव है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है बताने के लिए कि हमने लिए में क्या क्या चीज़ें देखी कैसे हुआ ही वॉन्ट टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कजिन वो क्या करना चाहता है शेयर करना चाहता है अपने एक्साइटमेंट को और अपने एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस क्या होगा आपको उसका जो अनुभव है और एक्साइटमेंट क्या होगा एक तरह की उत्तेजना जैसे मान लीजिए है जो भी उसने वहाँ पे देखा है वो किसको बताना चाहता है विथ अपने कजिन्स के साथ वो बताना चाहता है ऐसा बोल रहा है ठीक है चलिए देव के बारे में पढ़ते हैं देव क्या बोलता है सुविज्ञा हैव यू सीन काना किस लिए क्या आपने कहा किस लिए देखा है सुविज्ञा सुभिज्ञा क्या कहती है वॉट इज दैट ये क्या है उसको तो पता ही नहीं है सुभिज्ञा को देव बताएगा अब उसको ओह यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क ये क्या है एक बहुत ही सुंदर एक नेशनल पार्क है ठीक है फिर सुभिग्ञिया से आगे देखते हैं सुभिज्ञा वेयर इट इज सिचुएटेड ये कहाँ पे स्थित है सुभिज्ञा कहती है पूछती है उससे लड़के से कि ये वेयर इट इज सिचुएटेड हो ये स्थित कहाँ पे है फिर देव बताता है देव क्या बताता है इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एम इट इज़ एट्टी किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट ठीक है ना अब देखिए इट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पे है मंडला डिस्ट्रिक्ट पे है नियर जबलपुर किसके पास जबलपुर के पास इन एम पी किस पे एम पी पे इट इज़ एट्टी थ्री किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट बालाघाट एट्टी थ्री किलोमीटर अवे है कहाँ से बालाघाट पे सुभिज्ञा की बात करते हैं सुभिघ्या हाउ कैन यू रीच देयर आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हाउ कैन वी रीच देयर हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं नाउ देव इज़ गोइंग टू आंसर दैट अब क्या करेगा देव जो है वो आंसर करेगा वी कैन रीच देयर बाई बस हम वहाँ पहुँच सकते हैं बस के द्वारा वी कैन आल्सो गेट देयर बाई रेल इंडवन बाई एयर हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं रेल के द्वारा ट्रेन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं और एयर मतलब एरोप्लेन से भी जा सकते हैं ठीक है द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड द एयरपोर्ट इज जबलपुर जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट है वो कौन सा है जबलपुर है ठीक है सुभिज्ञा बताती अब सुविज्ञा फिर से एक उसका एक क्वेश्चन होगा देखिए देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा देव मुझे कान्हा के बारे में कान्हा किसली के बारे में और बताओ ठीक है तो अब देव उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा ठीक है ना क्या डिस्क्राइब करता चलिए देखते हैं देव को कान्हा किसली पार्क केम टू एग्जिस्टेंस इन 1955 फिफ्टी फाइव कान्हा केसली जो पहली बार बना था तो वो कब एग्जिस्टेंस में आया था वो आया था अस्तित्व में 1955 में सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर फ्लोरा एंड फोना तब से वो क्या हो रहा है वहाँ पे जीव जंतु और वनस्पतियों को वो लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ वो क्या करता है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को प्रिजर्व करता है मतलब सेव करके रखता है इन एविडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में ज़्यादा मात्रा में जैसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मतलब जो भी पेड़ पौधे और जानवर वहाँ पे हैं उनको क्या करता है सेव करके रखता है जिससे उनको किसी भी तरीके की हानि या क्षति ना हो इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया देखिए उस क्या बता रहा है कि सबसे अच्छा प्रबंधन इट इज़ नोन एस ये जाना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब सबसे बेस्ट फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ प्रबंधन मतलब सबसे अच्छा प्रबंधन के लिए जाना जाता है कहाँ पे पूरे एशिया में ये जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है तो ये कहाँ पे पाया मतलब जो ये है ना ये पूरे एशिया में सबसे बेस्ट प्रबंधन के लिए जाना जाता है इट अट्रैक्ट्स द वाइल्ड लवर्स वो क्या करता है अट्रैक्ट करता है किसको अट्रैक्ट करता है वाइल्ड लवर वाइल्ड लवर कौन कहलाते हैं जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड के वाइल्ड लाइफ क्या कहलाती है जैसे खूंखार जो जानवर होते हैं ना जो लोग देखना पसंद करते हैं चीता या फिर फूल पत फूल वनस्पति इनके लिए बोल रहा है एंड टूरिस्ट ठीक है ना इन थाउजेंड ड्यूरिंग द पीक सीजन जब उसका सीज़न होता है मतलब जैसे मान लीजिए हर मौसम का एक सीज़न होता है बरसात का सीज़न होता है तो जब पीक में सीजन रहता है वहाँ पर तो वहाँ पर थाउजेंस ऑफ लोग क्या जाते हैं एज ए टूरिस्ट घूमने जाते हैं इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्प्रेशन ये सोर्स ऑफ इंस्प्रेशन है एंड अट्रैक्ट फॉर द नेचर लवर्स और हमेशा क्या करता है जो लोग नेचर को पसंद करते हैं वो उनके लिए हमेशा अट्रैक्शन का एक पॉइंट बना हुआ होता है ठीक है अब बात करते हैं सुभिज्ञा की सुभिज्ञा क्या कह रही है चलिए थोड़ा सा पीडीएफ को जूम कर देते हैं क्लास ये थोड़ा कम दिख रहा है ओके सुभिज्ञा क्या बोल रही है विथ सरप्राइज़ हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला जैसे सुभिज्ञा सरप्राइज़ के साथ इतना सारा वो देव अब बता रहा था तो उसको तो ये नहीं बताया था ना कि मैं घूमने गया था अब देखिए अब आगे बात जानते हैं इसके बारे में तो देव बताएगा क्या बताएगा माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन एम पी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जो मेरे अंकल हैं वो क्या हैं मैनेजर हैं किस में हैं एम पी स्टेट टूरिज़्म डिपार्टमेंट में उसके अंकल जो हैं मैनेजर हैं एट प्रेजेंट अभी इस समय पर ही पोस्टेड एट कान्हा किसली वो कहाँ पर पोस्ट है कान्हा किसली में ही इन्वाइटेड ऑल टू सी इट उन्होंने हम सबको इन्वाइट किया था देखने के लिए सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स तो अभी मैं गया था कान्हा किसली किसके साथ अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ सुबह गया वॉट डिड यू सी देयर तुमने वहां पे क्या देखा ठीक है देव अब बताएगा इसका आंसर करेगा आई बेन टू बघीरा लॉग हट्स मैं कहाँ गया था बघीरा लॉग हट्स गया था मतलब एक तरह की कि वहाँ पे जो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं तो किस तरह की होती हैं लॉग हट्स होती हैं ठीक है किसली वे आर माई अंकल स्लीप जहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विद द वाइल्ड फेरोसियस एनिमल किसली क्या है डेंस फॉरेस्ट होता है जो कि कैसे होता है वाइल्ड फ़ेरोसियस एनिमल फ़ेरोसियस मतलब ख़तरनाक खूंखार जानवरों से जो बिल्कुल भरा हुआ है ऐसा बोल रहा है वो डेंस मतलब घना फॉरेस्ट है और वाइल्ड फ़ेरोसियस एनिमल है मतलब कई सारे वहाँ पर खूँखार जानवर पाए जाते हैं टूरिस्ट गो देयर एंड इन्जॉय टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और इन्जॉय करते हैं द नेचुरल सीनरी जंगल लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड वहाँ पे टूरिस्ट जाने के बाद क्या क्या देखते हैं देखिए वो नेचुरल सीनरी देखते हैं जो नेचर की सीनरी है उसको देखते हैं जंगल लाइफ जो जंगल में जैसे जानवर वगैरह रहते हैं कैसे रहते हैं और वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एनिमल जैसे चीता शेर जो कि खूंखार जानवर होते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं सारे देखते हैं ठीक है चलिए अब सुभिज्ञ्या को देखते हैं सुभिग्ञ्या क्या बोल रही है च एनिमल डिड यू सी देयर कौन सा एनिमल आपने वहाँ पे देखा सुविज्ञा कहती है देव से ओ मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क इस टाइगर जो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर है जो वहाँ पे लोग सब लोग देखने आते हैं वो क्या है टाइगर लकली आई हैड द ग्लिम्पेज ऑफ द टाइगर्स मैंने उनका एक ग्रुप देखा पीपल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर लोग कहाँ जाते हैं एलिफेंट से जाते हैं काहे के लिए टाइगर्स को देखने के लिए लोकेट करने के लिए कि कहाँ पर टाइगर है तो चलो एलिफेंट से देख लेते हैं इट इज़ अ रियली थ्रिलिंग ये बहुत ही रोमांचक था टू सी द टाइगर सिटिंग और लेंग टाइगर्स को देखते हुए बैठे हुए टाइगर्स और लेटे हुए टाइगर्स या पड़े हुए टाइगर ऐसे बोल सकते हैं जो वहाँ पे लेटे रहते हैं इनसाइड द डेंस बुसेस एंड हेरिटेज मतलब डेंस बुसेज मतलब घनी झाड़ियों के अंदर जो वो टाइगर्स थे आई सॉ द टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई रिवोल्ट मतलब देखे उसने देखा टाइगर को जो कहाँ पर क्या कर रहा था पानी पी रहा था कहाँ पर पास की झील पर वॉट हैपन टू सी द टाइग्रेस अलॉन्ग विथ द टू कब्ज वी सॉरी वॉट नहीं वी लिखा हो वी हैपन टू सी आर टाइग्रेस अलॉन्ग विद टू अलॉन्ग विथ हर टू कब्स मतलब क्या बोल रहा है वो कि उसने देखा जब कि दो टाइगर्स थे ठीक है ना एक टाइगरस थी मतलब एक शेरनी थी अलोंग विथ टू कप्स जो उसके दो बच्चे थे उसके साथ हर आइज फ्लैशिंग लाइक अ ग्लास बॉल उसकी जो आंखें थी वो कैसे चमक रही थी जैसे ग्लास की बॉल होती हैं ठीक है अब सुभिज्ञा फिर से पूछेगी कि एक देखते हैं सुभिज्ञा क्वेश्चन इस बार क्या रहता है डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट क्या टाइगर टूरिस्ट पे अटैक नहीं कर देते हैं अब देव उसका आंसर करेगा चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नॉट जनरली मतलब सामान्य तरीके पे नहीं करते हैं पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली पीपल लोग जो होते हैं वो जब फॉरेस्ट में जाते हैं बिल्कुल चुपचाप जाते हैं शांत तरीके से जाते हैं पीपल एंड ईवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट ईवन नाथ कि लोग साथ, साथ में बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बिल्कुल चुपचाप रहिएगा इनसाइड द जंगल जंगल के अंदर ठीक है वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू और हमको कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना होता है ठीक है ना सुबिज्ञा फिर एक क्वेश्चन पूछेगी देखिएगा आर एंड देयर सम अदर एनिमल क्या वहां पे और कोई एनिमल नहीं है अब उसका आंसर देखिए करेगा वो ठीक है देव यस देयर आर बीच सॉ द ब्लैक बैग सीतल सांबर्स डियर स्पॉटेड डियर्स एंड इंडियन बेस हॉन्ड एंटीलोप्स एंड स्टीज ठीक है ना उस न बताया कि मतलब इतने सारे जो एनिमल हैं वहाँ पर हैं इन हैबिटेड जो कि वहाँ पर रहते हैं ऑफ़ द ट्वेंटी स्पीसीज ऑफ द मैमल वहाँ पर कितनी स्पीसीज हैं मैमल की ट्वेंटी स्पीसीज हैं कहे की मैमल की दे आर आर प्लेम स्क्रल्स एप्स लंगूर्स मंकी जयकाल वाइल्ड फिग वाइल्ड डॉग एंड ऑल दीस हॉन्ड हाइनाज हाइनाजंग हाइनाज एंड जंगल कैट्स इन अ प्लेंटी ऑफ मतलब वो क्या बोल रहा है कि वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं देखिए लंगूर्स होता है मंकी होता है जैकोल होता है वाइल्ड पिक्स होता है वाइल्ड डॉग्स होते हैं और ये हाइनाज होते हैं हाइनाज कौन होते हैं लकड़बग्घे कहलाते हैं ना जंगल्स में ये सारे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल कैट्स भी वहाँ पर पाई जाती हैं ऐसा बता रहा है वो ठीक है अब चलिए सुभिग्ञा का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सुभिग्ञा का अगला क्वेश्चन क्या है ओ इट मस्ट बी वंडरफुल प्लेस टू सी वो क्या होगा एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस होगा कहे के लिए देखने के लिए देव देव क्या कहता है हाँ बिल्कुल इट इज रियली बर्थ सीन ये बिल्कुल ही क्या है देखने योग्य है इवन द बर्ड लवर इन्जॉय द साइट जो बर्ड लवर होते हैं वो उस जगह को इन्जॉय करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड हैं ऐसा बोल रहा है देयर आर 200 टू हंड्रेड स्पीसीज ऑफ बर्ड इन कान्हा 200 सौ स्पीसीज हैं किसकी बर्ड्स की कहाँ पे कान्हा पे वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल जो पानी वाले बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे पूल के आसपास वो आपको दिख जाएंगे अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून मतलब पहले सुबह मॉर्निंग के सुबह सुबह और लेट आफ्टरनून मतलब दो तीन बजे के आसपास ठीक है ना आर द बेस्ट टाइम टू वॉचिंग द बर्ड ये बेस्ट टाइम होता है काहे के लिए बर्ड्स को देखने के लिए इवन द कॉमन फ्लॉज डब्स हॉक्स ईगल पीजन एंड फ्लाई कैचर्स बुट पेकर्स एंड एविडेंटली फाउंड देखिए बुट पैकर्स कौन होते हैं लकड़ा वो होते हैं ना कटफोड़वे ऐसे बोलते हैं उनको फ्लाई कैचर्स हो गए मतलब ये सारे के सारे जो यहाँ पे पक्षी होते हैं वो ईजिली तरीके से आप उनको देख सकते हैं वो ये बता रहा है आप देखिए पक्षियों का हिंदी मीनिंग तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ एक वही होता है इतना तो कॉमन आपसे आता ही होगा मुझे इतना आइडिया है ठीक है ना सुभिज्ञा के बारे में देखते हैं सुभिज्ञा अब एक और नया क्वेश्चन पूछेगी थैंक यू देव यू हैव टोल्ड मी ऑफ़ द प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस तुमने मुझे किसके बारे में बताया प्लीजेंट और थ्रिलिंग प्लेस के बारे में बताया आई सर मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा अब मैं प्लान बनाऊंगा कहाँ कान्हा में जाने के लिए विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर किसके साथ मेरे पेरेंट्स के साथ अगले साल वैकेशन में ठीक है अब देखिए देव क्या बोलते हैं यहाँ पे बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट क्या है कि तुम किस लिए अगर जाना चाहते हो कान्हा किस लिए तो सनसेट के पहले वहाँ पे पहुँच जाना सिंस द वीकल्स आर नॉट परमिटेड उसके बाद जो व्हीकल होते हैं बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होते हैं इन द पार्क आफ्टर द सनसेट अगर पार्क के अंदर जाना है तो पार्क में व्हीकल भी बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होते हैं सनसेट होने के बाद द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर द डिनर चिल्ड्रन को उसके बाद क्या काहे के लिए बुलाया जाता है डिनर के लिए बुलाया जाता है एंड द डिस्कसन एंड यहीं पे डिस्कशन ख़त्म हो जाता है ऑन हैप्पी नोट ठीक है ना एक हैप्पी नोट के साथ तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ये जो चैनल जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया तो समझ में आकर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट में करके जो भी प्रॉब्लम है वो कंसल्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए अब मैं आपके इसकी एक्सरसाइज में आ जाता हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ तो बुक की आप अपनी ओपन कर लीजिएगा मैं इसके आपको डायरेक्टली आंसर्स पे ले चलूँगा ठीक है ना जो इसके आंसर्स हैं वहाँ से मैं सॉल्व कराऊँगा ठीक है